सब तो देखिए मैं रेडी हूँ, लेकिन अभी ये लोग अभी लंच किया है, लंच हो गया। हाँ तो लंच मैं कर चुकी हूँ, लंच बनाया फिर रेडी हुई और लंच भी हो गया और ये लोग रेडी नहीं है। जैस्मीन झूठ 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 बिल्कुल झूठ नहीं, अभी भी दो मिनट बिल्कुल झूठ 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 यार कौन झूठ बिल्कुल झूठ। हाँ हाय मम्मा, बस करो बेटा मैं लॉक करके आती हूँ, चलो जल्दी निकलो ऑलरेडी लेट है। बाय मम्मा। चलो यार तुम लोग कभी टाइमली रेडी नहीं होते यार, हमेशा लेट लेट लेट। कितने बजे का टाइम था हमारा निकलने का? जो सबसे लेट शुरू होते हैं वही बोलते हैं हम जल्दी। मैं सबसे पहले रेडी हुई हूँ और लंच बनाने के बाद खाने के बाद रेडी हो के देखो मम्मा, ये मम्मा है, ये मम्मा है। अगर मम्मा ने बचपन में सख्ती की होती इनसे तो ये आज पंचुअल होते। ये हर जगह जाने के लिए कैसे लेट हो जाते हैं यार, बताओ कैसे लेट होते हो तुम हर जगह जाने के लिए? आपका टैलेंट, इसका राज क्या है? हाँ बताओ हमें राज इस टैलेंट का। मुझे का टाइम था, अभी टाइम दिखा ना, टाइम दिखा ना, एक बजने वाला है। मैं दिखाती हूँ, 12:52 हो गए तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। मतलब बोला क्या गया था कि 12 बजे निकलेंगे और 4 बजे मुझे वापस आना है क्योंकि मुझे ऑफिस का बहुत सारा काम है। तो अगर हम निकले ही 1 बजे हैं तो कितने बजे वापस आएंगे? और जल्दी जल्दी में कोई शॉपिंग नहीं होती ढंग से, फिर हमारी लड़ाई होती है। तो एक मैसेज, एक बात सुनाता हूँ मैं, बहुत अच्छी वाली। पता नहीं कौन सी बात सुनाएंगे, ध्यान से सुनो जरा। किसके बारे में भला ये बता दो, ध्यान से सुनाता हूँ। किसके बारे में? फिल्म के बारे में एक बात सुनाता हूँ, बहुत अच्छी थी। मेरे बारे में? हाँ ध्यान से जो भी सुनाएंगे सब झूठ होगा। ये ना जब मेरे को बड़े मम्मा ने बताया, सासू माँ ने बताया था कि जब ये जाती है ना मार्केट, हम मार्केट जाते थे जब छोटी सी होती थी, छोटी सी पप्पी टाइप जब छोटी सी होती थी तो मतलब ये दुकानों के आगे जब मम्मी पापा जाते थे तो ये खिलौने देख लेती थी कि हाँ वो डमी डमी में लगे होते हैं ना खिलौने, तो ये खिलौने देख लेती थी फिर तो ये वहाँ पे खिलौने लेने के लिए ना बहुत जिद करती थी, डमी के खड़ी हो जाती थी और जब मम्मी पापा मना कर देते थे ना कि नहीं लेंगे तो ये वहीं लड़ जाती थी जमीन पे, ये सब झूठ, और टांगे बाहें मारना चालू, सब झूठ, टांगे बाहें मारना चालू, ब्लैकमेलिंग चालू, जिद्दी कहीं की। ये पता नहीं कब होता था, मुझे पता नहीं, मम्मा ने एक बार इनको ऐसे अपने बारे में कोई नहीं बोलता है, दूसरों को बोलते हैं ये आलसी है, ये निकम्मे हैं, ये काम नहीं करते, ये काम करता है। मैं बहुत इनोसेंट लड़की हूँ, मैं बहुत इनोसेंट लड़की हूँ और हमेशा रहूँगी। अब अपनी कमजोरी पता चली तो बोल रही नहीं नहीं नहीं। देखो बचपन में क्या हुआ था वो तो नहीं मैं जानती, लेकिन अभी मैं बहुत इनोसेंट हूँ, बहुत पंचुअल हूँ, बहुत डिसिप्लिन हूँ, ठीक है। और बचपन का वो एक किस्सा मम्मा ने इनको बता दिया है, अब उसी चीज को लेके ये बार बार मुझे पॉइंट आउट करते रहते हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि देखो उदय कहना नहीं मान रहा तो कहते हैं तेरे पे गया है, जैसे तू जिद्दी थी वैसे ये जिद्दी है, जैस्मिन ये नहीं कर रही है तो देखा जैस्मिन भी तेरे पे गई है, तो जैसे तू जिद्दी थी वैसे ये जिद्दी है, मतलब ये देखो ये चलता है, सारे जिद्दी बना दिए। हाँ सारे जिद्दी है, मतलब सारे मुझे जिद्दी के मामले में सारे मुझे पे गए हैं। और लेट लतीफ होने के मामले में किस पे गए हैं? तुम्हारे पे मेरा, ओह माय गॉड, मैं हमेशा हमेशा रेडी होती हूँ फास्ट, सबसे पहले। बिग बाज़ार का एक बहुत बड़ा स्टोर है तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करेंगे वहाँ पे।
सेक्टर 22 की वीडियो डाली थी मैंने, उसमें मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग दिखाई है, लेकिन क्योंकि समर्स हैं तो समर में आप सेक्टर 22 में नहीं जा सकते क्योंकि वो ओपन में है तो बहुत गर्मी होती है। तो आजकल तो वही अच्छा रहता है कि आप एक ही रूफ के अंदर जाएं जहां पे आपको सारा मटेरियल मिल जाए, मेल फीमेल सबका स्टफ़ मिल जाए। तो अभी हम यहां पे कुछ देर शॉपिंग करेंगे, तो यहां मैं अपने लिए कुर्तीज़ जीन्स वगैरह कुछ ट्राई करूंगी, बच्चों के लिए कुछ कपड़े समर की। तो मैक्सिमम रेट्स मैं आपको स्क्रीन पे शो करती जाऊंगी साथ साथ। बिग बाज़ार एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आपको हर तरह के कपड़े मिल जाते हैं आपके बजट के अंदर, आप चाहें तो लोअर प्राइस में ले लें, आप चाहें तो हायर में ले लें। तो यहाँ जो कुर्तीज़ में स्टार्ट हो रही थी वो 599 से स्टार्ट थी, तो बाकी आपके बजट जो आपको अलाउ करता है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। बट मुझे बहुत अच्छा स्टफ़ मिला सारा ही, और बहुत अच्छी शॉपिंग की हमने। भी नहीं था कि इसे दो जन उठाएं, लेकिन ये हमें दिखाने के लिए कि लेडीज़ की सारी शॉपिंग है, तो उसके लिए मस्ती हो रही है यहाँ पे। तो ये है यहाँ का स्टोर, एक हैमलेज स्टोर है, ये टॉय स्टोर है। तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया, आप हर तरह के टॉयज़ भी यहाँ से ले सकते हैं, और बच्चों के इंजॉय करने के लिए भी काफ़ी स्टफ़ है यहाँ पे। और ये है यहाँ पे मोहाली का ब्यूटीफुल गोल्फ कोर्स।